हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट ओरियो बॉल्स। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओरियो बॉल्स बनाने के लिए 25 ओरियो कुकीज़, 90 ग्राम क्रीम चीज़, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस, 100 ग्राम डार्क कंपाउंड, 100 ग्राम वाइट चॉकलेट कंपाउंड। अब यहाँ पे ओरियो कुकीज़ को तोड़कर इस तरह से मिक्सर जार में डाल लेती हूँ और इनको एक दरदरा पाउडर बना लूँगी। इस तरह से हमारा पाउडर तैयार है। इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इस बाउल में क्रीम चीज़ ली है और इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको विस्क से इसी तरीके से फेंटना है जिससे कि इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाए। अगर आपके पास क्रीम चीज़ ना हो तो इसकी जगह न्यूट्रेला चॉकलेट स्प्रेड भी आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। अब इस चीज़ क्रीम को ओरियो पाउडर में डाल दूंगी। और इस तरह से मिक्स करते हुए एक स्मूथ सा डो बनाना है। डो बन के तैयार है इसका। अब इस डो से हमें बॉल्स बनाने हैं। इस तरह से बॉल्स बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए और सभी बॉल्स एक इक्वल साइज में होने चाहिए। ऑलमोस्ट सारे बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। अब इन बॉल्स को आधा घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटे के बाद यहाँ पे चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है और इन बॉल्स में इस तरह से टूथपिक स्टिक लगाते हुए चॉकलेट में डिप करना है जिससे कि चॉकलेट इवनली इसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। और इस स्टिक को इस थर्माकोल के टुकड़े पर इस तरह से लगा देना है जिससे कि इसकी शेप भी ख़राब ना हो जाए। और इस तरीके से एक एक बॉल्स करके डिप करते जाना है और इस थर्माकोल के टुकड़े पर लगाते जाना है। इन बॉल्स को सेट होने में ओनली 5 मिनट्स ही लगते हैं क्योंकि ये बॉल्स ठंडे हैं और चॉकलेट में डिप होते ही चॉकलेट इनके ऊपर अच्छे से सेट हो जाती है। अब इन बॉल्स को टूथपिक स्टिक से अलग करना है। एक एक करके टूथपिक स्टिक निकालते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उसी तरीके से इन बॉल्स को भी डिप करते जाना है और इस थर्माकोल के टुकड़े पर लगाते जाना है जिससे हमारे दो तरह के चॉकलेट बॉल्स बनके तैयार हो जाएंगे। एक एक करके सभी बॉल्स को लगाते जाएंगे। अब इनको भी टूथपिक स्टिक निकाल कर अलग कर लेना है। अब यहाँ पर पाइपिंग बैग में वाइट चॉकलेट लेकर इस तरह से ओरियो बॉल्स पर डालनी है और ऊपर से थोड़े से स्प्रिंकल्स डालने हैं। इसी तरीके से वाइट चॉकलेट बॉल्स के ऊपर डार्क चॉकलेट डाल देती हूँ और अब इनके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स और रेडी हैं हमारे ओरियो चॉकलेट बॉल्स।